शेयरिंग का जो है ना वो शुरू हो जाता है। 5 मिनट तो दिया करो, 5 मिनट वेट किया करो। आई एम श्योर आप लोगों ने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में क्लासेस अटेंड की होंगी, टीचर का वेट भी किया होगा, टीचर के आने पे रिस्पेक्ट का मुजाहरा करते हुए उसको वेलकम भी किया होगा। तो आप लोगों को क्लास के कोरम पता ही होंगे, मुझे बताने की क्या जरूरत है। चलें ठीक है, आज का हम स्किल स्टार्ट करते हैं। स्किल का इनकी चैट ऑफ कर दें, फिर आफ्टर स्किल इनकी चैट ओपन करेंगे और इनसे पूछेंगे क्या फीडबैक है, क्या क्वेश्चंस हैं, क्या क्वेरीज हैं। स्किल बहुत इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ सॉफ्टवेयर बहुत इजी है। इससे पहले आप लोगों ने फोटोशॉप पे काम किया, आप लोगों ने इलस्ट्रेटर पे काम किया, कुछ लोगों का फोटोशॉप ही डाउनलोड नहीं हुआ, डाउनलोड हुआ तो लेयर्स में प्रॉब्लम आ रहा था, कुछ बच्चों को इलस्ट्रेटर में प्रॉब्लम आ रहा था, देन कुछ की ट्रांसक्रिप्शन में माइक काम नहीं कर रहा था। यूट्यूब SEO में मेजॉरिटी ने रिजल्ट्स जनरेट किए हैं, ग्रुप में उन्होंने पोस्ट भी किया, आप जाके देख सकते हो। लेकिन अगेन हर एक स्किल में सब प्रोफिशिएंट नहीं हो सकते। अभी तक जितने भी प्रॉब्लम्स आपने फेस किए हैं उन सब से निजात का जरिया है स्लाइड शो डिज़ाइन, क्योंकि सॉफ्टवेयर आई एम श्योर हर एक के लैपटॉप या कंप्यूटर में होगा। पावर पॉइंट है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। और अगर पावर पॉइंट नहीं भी इस्तेमाल करना चाह रहे तो बहुत सारे आपके पास स्लाइड शो के एप्लीकेशन होते हैं फ़ोन में, कोई मूवी मेकर के नाम से या आई शो, पता नहीं बहुत सारे हैं, उनके थ्रू भी आप स्लाइड शो बना सकते हैं। करना क्या होता है, एक स्लाइड शो क्या होता है, पहले देखते हैं कि इसमें क्या काम हो रहा है और इसमें आपने किस तरह से स्लाइड शोज बनाने हैं। तो स्लाइड शो वीडियोस में जो टोटल कंपटीशन है दैट इज ओनली 1526। स्लाइड शो वीडियो एक और कीवर्ड है इसका, इसके अलावा हम इसको सर्च कर सकते हैं पावर पॉइंट स्लाइड शो के नाम से, पावर पॉइंट स्लाइड शो लिखते हैं, पावर पॉइंट स्लाइड शो में जस्ट 71 का कंपटीशन है। अच्छा अब हम लिखते हैं फोटो स्लाइड शो, फोटो स्लाइड शो वीडियो चलो चेक कर लेते हैं। तो फोटो स्लाइड शो वीडियो में 3800 का कंपटीशन है। बहुत ज़्यादा जो है स्किल की डिमांड है। डिमांड चेक करने के लिए कुछ गिग्स ओपन कर लेते हैं फर्स्ट पेज से, ताकि हमें आइडिया हो सके कि क्या डिमांड। अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करो तो ये $5 वाला स्किल नहीं है। जितना आप अपनी स्किल पे, बिकॉज ये इंस्टेंट तो है, एक इसका मैं आपको इंस्टेंट स्किल अभी सिखा दूंगी PDF एडिटिंग की तरह। देन अगर आपका इंटरेस्ट है, समझ में आता है, थोड़ी सी मेहनत से आप अपने $5 की स्किल को बहुत आराम से $50 की स्किल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे वो सीखने से पहले हम देखते हैं कि आप इसमें इंस्टेंट कैसे काम करते हैं। इंस्टेंट स्किल क्या होती है, ये आई विल डू प्रोमो वीडियो एंड फोटो स्लाइड शो। ये एक ऑर्डर इनके पास है, बेसिक सर्विस ही ऑफर कर रहे हैं 3500 के लिए। जरा इनका काम देखते हैं। अच्छा जी स्लाइड शोज बना रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है ये। जरा इनका पोर्टफोलियो चेक करते हैं। तो स्लाइड शो में आप कुछ इस तरह का काम करते हैं। स्लाइड शो कहते हैं जहां पे बहुत सारे इमेजेस को आप एनिमेट करते हैं विद अ बैकग्राउंड साउंड। बैकग्राउंड साउंड मैंने इसका जरा ऑफ किया है ताकि मेरी आवाज आपको क्लियर आ सके। अगर आप देखो तो इसमें सिर्फ इमेजेस ही एनिमेट कर रहे हैं, इमेजेस ही ट्रांजिशन हो रही है, ऊपर टेक्स्ट आ रहा होगा, इमेजेस हैं, ये कहलाता है स्लाइड शो। इंतहाई आसान है। करने का तरीका कैसा है, चलो इसको हम पावर पॉइंट में देखते हैं। सबसे पहले पावर पॉइंट ओपन करोगे आप। आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने पावर पॉइंट पहले इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि बेसिक सॉफ्टवेयर है ना। यूनिवर्सिटी कॉलेज की कोई असाइनमेंट बनानी हो तो हम पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पावर पॉइंट के प्रोफेशनल इस्तेमाल आपकी सोच से ज्यादा है। हर एक सॉफ्टवेयर की ना दो तरह की स्किल होती है, एक होती है टूल की स्किल, एक होती है डिजाइन की स्किल। अगर फोटोशॉप की बात करें तो फोटोशॉप में जो टूल के स्किल्स हैं वो हैं फोटोशॉप एडिटिंग, प्रोडक्ट कटआउट्स, बैकग्राउंड रिमूवल, ऑब्जेक्ट रिमूवल। इस नाम से टूल के स्किल बिकते हैं और बहुत ज़्यादा डिमांड के साथ बिकते हैं। फिर आ जाते हैं फोटोशॉप के डिज़ाइन के स्किल, जिसमें आता है सोशल मीडिया डिज़ाइन, पॉडकास्ट डिज़ाइन, आपका उसमें आ जाता है
कुछ ऐसे ग्राफिक्स जो स्क्रीन पे यूज होते हैं उनके डिजाइन, तो वो डिजाइन के स्किल है। अगर हम पावर पॉइंट की बात करें, पावर पॉइंट में भी दो तरह के स्किल है। डिजाइन के स्किल में आ जाता है स्लाइड शो डिजाइन, प्रेजेंटेशन टूल के स्किल में आप इसमें चार्ट्स बनाते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं। एक एक स्लाइड की जो वर्थ है ना इंटरनेशनल मार्केट में वो 10 से लेकर $100 तक होती है। लेकिन अगेन आपको पता होना चाहिए कि उस स्लाइड में डिजाइन क्या करना है। ये हमारा टॉपिक नहीं आज का, मैं सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ कि अगर आपको स्लाइड शो का स्किल इंटरेस्टिंग लगता है तो बाकी सारे स्किल्स छोड़ के इस पे अपनी ग्रिप हासिल करो, जल्दी ग्रो करोगे। क्योंकि 6 के 6 स्किल्स हमने वैसे भी नहीं बेचने, 6 के 6 स्किल से ग्रोथ नहीं मिलेगी। अच्छा जी, हमने पहला स्टेप पे क्या करना है, पिक्चर्स ऐड करनी है। पिक्चर्स ऐड करने के लिए एक नॉन प्रोफेशनल अप्रोच ये है कि आपने इंसर्ट पे क्लिक किया, ये पिक्चर्स का टैब है, यहाँ से आपने बताया कि कौन सा पिक्चर ऐड करना है। हम कोई भी एक एल्बम, पिक्चर एल्बम ओपन कर लेते हैं। ये हमने इस पे पिक्चर ऐड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे पिक्चर ऐड हो गया, न्यू स्लाइड ओपन करो, इसमें पिक्चर इंसर्ट करो, तो ये एक और पिक्चर ओपन इसमें ऐड हो गया। लेकिन अगर आप देखो कि इस तरीके से पिक्चर्स का लेआउट डिफरेंट है, किसी भी स्लाइड शो का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि आपने पिक्चर्स को सेम लेआउट में सेट करना है। सेम लेआउट, सेम फील, सेम डिस्प्ले, सेम फिल्टर्स एंड इफेक्ट्स, तब भी वो एक स्लाइड शो बनेगा। अगर आपकी एक स्लाइड पे पिक्चर सेंटर में प्लेस की गई है, दूसरे पे रैंडमली कहीं पे प्लेस की गई, तीसरे पे और ही की उसकी अलग ही प्लेसमेंट है, तो वो स्लाइड शो नहीं होता। वो किसी बच्चे की प्रैक्टिस हो सकती है, किसी फ्रीलांसर का स्लाइड शो नहीं हो सकता। तो इसके लिए प्रोफेशनल अप्रोच क्या है, सबसे पहले तो जी क्लाइंट आपको कुछ पिक्चर्स देगा ऑब्वियसली, जिसका उसने स्लाइड शो बनवाना होगा। वो 10, 20, 50, 100, 150 कुछ भी पिक्चर्स हो सकती हैं। अगर हम इनको देखेंगे जो ऑलरेडी सर्विस ऑफर कर रहे हैं, तो इसमें हम कोई और देख लेते हैं, इनको चेक कर लेते हैं ये क्या प्रोवाइड कर रही हैं। इनके पास 3 ऑर्डर्स इन क्यू है। ये कह रही हैं कि जी एक टाइटल, 3 इमेज और बेसिक ट्रांजिशन ये बना के देंगी बेसिक स्लाइड शो के अंदर। तो 35 इमेजेस है। अगर आपके पास क्लाइंट जितने ही पिक्चर सेंड करता है, जितने भी इमेजेस सेंड करता है, आपने सबसे पहले तो उनके एक फोल्डर में रखना है, ठीक है। एक सेपरेट फोल्डर बना लो, उस फोल्डर में नंबर वाइज उन पिक्चर्स को है आप रीनेम करके सेट कर ले। फिर आप क्या करेंगे, आप पावर पॉइंट पे आएंगे, इंसर्ट के टैब में से आप क्लिक करेंगे फोटो एल्बम पे। फोटो एल्बम पे क्लिक करो, न्यू फोटो एल्बम। सबसे पहले उसको बताओ कि कौन सी फोटो एल्बम का स्लाइड शो क्रिएट करना है। फाइल एंड डेस्क पे क्लिक किया। अभी देखो मैंने फॉर एग्जांपल ये इस फोल्डर में सारी क्लाइंट की पिक्चर्स रखी हैं, ये क्लाइंट की पिक्चर्स हम तसव्वुर कर लेते हैं। तो अब इन सब पिक्चर्स को हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, ऐड करना है। एक तरीका ये है कि क्लिक करो, ये सबको आपको एक साथ क्लिक करना पड़ेगा। कंट्रोल प्रेस करके जब आप क्लिक करेंगे तो मल्टीपल सिलेक्शन होगी। इसमें तो सिर्फ 35 पिक्चर्स हैं। अगर आपके पिक्चर्स 100+, 200+ हो तो कैसे आप मैन्युअली सिलेक्ट करोगे, काफ़ी टाइम लग जाएगा। हम क्या करते हैं, हम कंट्रोल प्लस ए, ए फॉर एप्पल। तो ये हमारी सारी पिक्चर्स सिलेक्ट हो गई। अब आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है, इसको कुछ सेकंड्स दो, इसने सारी पिक्चर्स को यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। अब क्या है, अगर आप देखें तो जो लेफ्ट साइड पे नंबर आ रहा है ये 1, ये स्लाइड का नंबर है, ये आपकी फाइल नेम है जो आपने उसको रीनेम किया हुआ है। अब अगर मुझे ये सारे पिक्चर्स आपको प्रीव्यू में नजर आ रहे हैं, मुझे ये वाला पिक्चर है ना, दिस वन, ये मुझे फर्स्ट स्लाइड पे चाहिए। मैं क्या करूँगी, मैं इसको क्लिक करूँगी एंड देन ये एरोस शो हो रहे हैं, इसको मैं बिल्कुल एरोस की मदद से फ्रंट पे ले आई। अब फ्रंट पे ये पिक्चर आएगा, देन बाकी सारे पिक्चर्स आपके सामने ऐसे डिस्प्ले हो रहे हैं। अपनी मर्जी से आप पिक्चर्स को अरेंज कर सकते हैं कि मुझे किस स्लाइड पे कौन सा पिक्चर चाहिए, पहले कौन सा इमेज डिस्प्ले होगा, देन कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा, ये सारी सेटिंग आपने यहाँ पे कर लेनी है। अब क्या होगा, ये तो हमने कर ली जी पिक्चर्स की, इमेजेस की सेटिंग। अब कुछ और ऑप्शंस आपके पास है, आप टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड कर सकते हैं। स्लाइड शोज मोस्टली बनते हैं इवेंट्स के लिए, कि जी किसी ने बर्थडे स्लाइड शो बनवाना है, बर्थडे स्लाइड शो की भी बहुत डिमांड है, फाइवर पे चेक कर
लिखते हैं यहाँ पे लिख के जी बर्थडे हैप्पी बर्थडे वीडियो या बर्थडे स्लाइड शो, क्योंकि इसका जो आउटपुट है ना वो आपके पास एक वीडियो होती है, ठीक है। तो ये आपके पास आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने अपना काम डिस्प्ले किया हुआ है। हम इधर लिखते हैं बर्थडे स्लाइड शो, एनिवर्सरी स्लाइड शोज होते हैं, वेडिंग के स्लाइड शोज होते हैं, कॉर्पोरेट स्लाइड शोज होते हैं, प्रोडक्ट के डिजिटल कैटलॉग्स बनते हैं। एक बहुत अच्छी अप्रोच है कि क्लाइंट आपको अपनी प्रोडक्ट सेंड करे और मुझे के स्लाइड शो बना दो। स्लाइड शो का फायदा क्लाइंट को ये होता है कि जब सोशल मीडिया पे ऐड लगाते हैं ना, और उस ऐड में अगर हम कोई वीडियो ऐड करें तो वीडियो देर से अपलोड होती है अगर आपका यूजर डाटा फ्री डाटा यूज कर रहा है, तो कोई भी वीडियो नहीं रन होगी, आपका ऐड जाया हो जाएगा। अगर ऐड की जगह आपने स्लाइड शो लगाया हुआ है अपने सोशल मीडिया या फेसबुक के ऐड में, तो वो फ्री डाटा पे भी चलेगा, बिकॉज उसे बहुत कम उसका साइज होता है, तो वो बहुत इजीली रन हो जाता है। इसलिए ब्रांड्स या बिजनेस क्या करते हैं, आपको अपनी प्रोडक्ट सेंड करेंगे और कहेंगे जी मुझे इसका एक स्लाइड शो बना दो, प्रोडक्ट की 5-6-7-50 पिक्चर्स है, इनको एनिमेशन के साथ टेक्स्ट पे सेट कर दो। अब अगर आपको बीच में किसी स्लाइड पे टेक्स्ट ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मुझे 5th स्लाइड के बाद एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं। देन आफ्टर अगेन 5th स्लाइड एक और टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लो, आपकी मर्जी है, जहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं अपने पिक्चर्स की। और टेक्स्ट बॉक्स की सेटिंग्स करने के बाद आप क्या करोगे, आप अपने पिक्चर्स को चेंज कर सकते हो उनकी रोटेशन। ये पिक्चर्स के नीचे कुछ टूल्स आ रहे हैं, यहाँ से आप रोटेशन चेंज कर सकते हैं। रोटेशन के साथ साथ ये कुछ और टूल्स हैं जहाँ से आप ब्राइटनेस या कंट्रास्ट को कंट्रोल करते हैं, लेकिन इस डायलॉग बॉक्स में हमने किसी भी पिक्चर के कंट्रास्ट या ब्राइटनेस को नहीं छेड़ना, क्योंकि स्लाइड शो का पर्पज़ ये होता है कि हर एक इमेज की सेम फील हो। तो अगर आप एक इमेज पे यहाँ पे ब्राइटनेस को अप डाउन करोगे, आपको सारी इमेजेस पे करना पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यूज का पता नहीं होगा, जब बाद में हम इसको बाद में सेटिंग करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज होंगी। यहाँ पे आपने ब्राइटनेस या कंट्रास्ट को चेंज नहीं करना। एक और ऑप्शन वो आपको ये दे रहा है कि चाहो तो किसी पिक्चर को रिमूव भी कर सकते हो, कोई पिक्चर अननेसेसरी है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। सारी पिक्चर्स को ब्लैक एंड वाइट कर सकते हो, क्योंकि थीम होता है ना, एक पिक्चर कभी भी ब्लैक एंड वाइट नहीं होगी स्लाइड शो में, या तो सारी ब्लैक एंड वाइट होंगी या सारी डार्क होंगी सारी लाइट होंगी, एक ही तरह की फील क्रिएट करनी है। यहाँ पे क्लिक करोगे सारी पिक्चर्स ब्लैक एंड वाइट आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। मुझे अभी के लिए ब्लैक एंड वाइट नहीं करना, तो मैं इसको अनचेक कर दूंगी। देन आ जाते हैं एल्बम का ऑप्शन, कि एल्बम का लेआउट क्या होगा, जो आपकी पिक्चर्स है उनको आप फिट टू स्लाइड करना चाह रहे हो, एक पिक्चर करना चाह रहे हैं, दो पिक्चर्स ऐड, देखो प्रीव्यू में पिक्चर्स चेंज हो रही हैं, दो पिक्चर्स करना चाह रहे हो, फोर करना चाह रहे हो, एक पिक्चर विद टाइटल, टू पिक्चर्स विद टाइटल, ये आपकी मर्जी है। आप जिस तरह की सेटिंग करेंगे थ्रू आउट द स्लाइड शो वो सेटिंग अप्लाई होगी। मैं अभी के लिए कर रही हूँ फिट टू स्लाइड, मैंने लेआउट भी डिसाइड कर लिया। अब आ जाते हैं थीम क्या रखनी है इसकी। इसके लिए आप गूगल से भी फ्री थीम्स डाउनलोड कर सकते हो, होती हैं पावर पॉइंट की थीम्स, कुछ हमारे पास बिल्ट इन है, इसमें से भी हम चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम थीम सिलेक्ट करते हैं, लेट से स्लाइस वाली थीम को सिलेक्ट कर लो। अब ये जो थीम है, ये जो कलर्स हैं, ये थ्रू आउट द एल्बम आपके पास अप्लाई हो जाएंगे। अब आपने क्रिएट पर क्लिक कर देना, तो इसने एक ही लेआउट में एक ही फॉर्मेट में सारी पिक्चर्स को प्लेस कर दिया। ये टेक्स्ट बॉक्स है जो हमने वहां पे ऐड किया था। अभी देखो सेम कंसिस्टेंसी है, सेम फील है, 100 पिक्चर्स भी होंगे तो ऑन अ सिंगल क्लिक आपके पास ये इंपोर्ट हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, पिक्चर्स इंपोर्ट करने के बाद हम इस पर टेक्स्ट की सेटिंग करेंगे। अगर हमें कोई टेक्स्ट ऐड करना है, पहले तो हम इसका जरा नाम चेंज करते हैं ना, इसको हम रखते हैं लर्न फ्रीलांसिंग। आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी से,
इसमें अभी मैं रोबोटो या गॉथिक कर रही हूँ, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसको बोल्ड कर लेते हैं। कलर चेंज करना चाहो यहाँ पे कलर्स का भी ऑप्शन है, अभी के लिए वाइट ही सही है। यहाँ पे हम कर लेते हैं विद राबिया अब्बास, इसका अगर चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो, दैट्स अप टू यू, जिस तरह से आप अपनी इसको कस्टमाइज करना चाहें आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आई थिंक सबसे अच्छा वही ऑप्शन लग रहा था, ये वाला, तो हम इसी को रहने देते हैं, नहीं बल्कि ये लाइट वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये अब आपकी डिज़ाइनिंग की क्रिएटिविटी है, आपके एस्थेटिक्स हैं कि आप किस तरह से इसको सेट करते हैं। ठीक है, ये हमने अपना कवर जहाँ से हमारा वीडियो स्टार्ट होगा उसको ऐड कर लिया। अब आ जाते हैं एनिमेशन पे। इसको जब हम लोग स्लाइड पे एनिमेशन अप्लाई करते हैं तो पावर पॉइंट की लैंग्वेज में उसको ट्रांजिशन कहा जाता है। सबसे पहले हम हर एक स्लाइड पे ट्रांजिशन जो है उसको अप्लाई करेंगे। तो हमने इसको क्लिक किया, ये आपके पास ट्रांजिशन का टैब है, यहाँ से आप अपनी मर्जी की ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं कि किस तरह आप इसको अपीयर करवाना चाह रहे हैं। हर एक स्लाइड पे आपको ट्रांजिशन अप्लाई करनी होती है। अभी के लिए मैं रैंडम ट्रांजिशन अप्लाई कर रही हूँ, जब आप लोग अप्लाई करेंगे तो थीम के अकॉर्डिंग करेंगे। थीम क्या होती है, मैंने आप लोगों को असाइनमेंट में तीन तीन स्लाइड शोज देने हैं। एक स्लाइड शो जो आप बनाएंगे वो इवेंट बेस्ड होगा, अपने किसी बर्थडे की पिक्चर्स, किसी वेडिंग की पिक्चर्स, एनिवर्सरी की पिक्चर्स, कोई भी पिक्चर्स, 20-25 पिक्चर्स का आपने एक स्लाइड शो क्रिएट करना है। उसमें अब ऑब्वियसली एक्साइटिंग थीम होगा, तो ये आपके पास एक्साइटिंग थीम आ रहे हैं, इसमें से कोई चूज कर लेना। ये सटल है, सटल हम शो यूज करते हैं किसी भी कॉर्पोरेट या सीरियस काइंड ऑफ स्लाइड शो के लिए। देन डायनामिक है, डायनामिक हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी शो के लिए, फॉर एग्जांपल दूसरा जो आपका होगा ना प्रेजेंटेशन, जो दूसरा आपका असाइनमेंट होगा वो ये होगा कि आपने किसी ड्रामा का, किसी सीरीज का एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है, एक स्लाइड शो क्रिएट करना है, उसकी स्टोरी आपने बतानी है, स्टोरी टेलिंग उसको बोलते हैं, स्टोरी टेलिंग स्लाइड शो। उसके करेक्टर की पिक्चर्स ऐड कर लेना, ड्रामास के, सीरीज के सीन ऐड करके। अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल्स भी दिखा दूंगी, वहाँ पे डायनेमिक इस्तेमाल करते हैं। मैं सारे के सारे अभी रैंडम यूज़ कर रही हूँ, जो मुझे नज़र आ रहा है मैं वो ऐड कर रही हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि कैसे अपीयर होंगे। अब आ जाता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में हम कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, आप लिख सकते हो कि हाउ टू क्रिएट फाइवर प्रोफाइल। अब इसको सेंटर अलाइन कर लो, ये सारे ऑप्शंस आपको होम के टैब में मिलेंगे। सेंटर अलाइन करने के बाद इसका साइज इंक्रीज करो और बोल्ड कर लो, ये आपकी अपनी मर्जी है, जिस तरह से आपने इसकी एडजस्टमेंट करनी हो आप कर सकते हैं। इस पे भी एनिमेशन अप्लाई करते हैं, ट्रांजिशन के टैब में जाओगे और इसको अप्लाई करोगे। ये अब आपके पास जिस स्लाइड पे ट्रांजिशन अप्लाई होगा उस स्लाइड के नंबर के नीचे स्टार आएगा, ठीक है। अगर स्टार्ट नहीं है तो इसका मतलब यह है कि इस स्लाइड पे आपने ट्रांजिशन अप्लाई नहीं की। हम सब पे पहले तो ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे एक एक स्लाइड पे। प्रोफेशनली जब आप बनाते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि दो स्लाइड्स पे एक जैसी ट्रांजिशन लगा लो, फिर उसके बाद चेंज कर लो, वो आपकी मर्जी है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप इंस्पिरेशन लोगे, उतनी ज्यादा आपकी स्किल रिफाइन होगी। अब यहाँ पे लिख लेते हैं हाउ टू विन प्रोजेक्ट्स ऑन अपवर्क, बिकॉज ये भी हमारा टॉपिक होगा, इस पे भी आपकी क्लासेस होंगी। इस पे हम ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं, ओके जस्ट गिव मी वन सेकेंड, मैं जरा पानी पी लूँ, गला बहुत ड्राई हो रहा है। आई विल बी बैक।
ओके आई एम बैक। सो हम बात कर रहे थे ट्रांजिशन अप्लाई करने की। ये मैं इस पे रैंडम ट्रांजिशन अप्लाई कर रही हूँ। हर एक स्लाइड पे हमने ट्रांजिशन ऐड करनी होती है। कुछ तो इसमें से बहुत खूबसूरत है, कुछ बहुत बच्चों वाली है। सिलेक्शन आपके ऊपर है कि आप किस तरह की ट्रांजिशन को किस इमेज के लिए सिलेक्ट करते हैं। ये आपको मैन्युअली अप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि हर स्लाइड की ट्रांजिशन जो है उसकी सेटिंग्स डिफरेंट होती हैं। पहले हम ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं, देन हम ट्रांजिशन की सेटिंग करते हैं। सेटिंग कैसे करनी है इसके बाद हम वो देखेंगे। अच्छा जी, ये हमने सब पे ऑलमोस्ट ट्रांजिशन अप्लाई कर लिया। ओके, सो नाउ अब हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन की सेटिंग करेंगे। फर्स्ट स्लाइड पर भी ऐड कर लेते हैं कोई ट्रांजिशन जी, इसको हमने ऐड कर। अब इसमें क्या होगा, सेटिंग क्या होती है, अगर आप देखो तो ये आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है इफेक्ट ऑप्शंस। यहाँ से आप बता सकते हैं कि इफेक्ट फ्रॉम राइट आएगा, बॉटम आएगा, लेफ्ट, टॉप, ये सारे ऑप्शंस। हर एक इफेक्ट के डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। जो आपको समझ में आता है, जो अच्छा लगता है, आप वो ऑप्शन चूज करेंगे। जैसे इस पे हमने डिफरेंट इफेक्ट लगाया था, उसके ऑप्शंस डिफरेंट हैं, ये इफेक्ट डिफरेंट था, इसके ऑप्शंस डिफरेंट हैं। ये आपने देख लेना कि आपको कौन सा इफेक्ट ऑप्शन चाहिए। अब अगली बात आती है म्यूजिक ऐड करने की। म्यूजिक हमेशा आप पहली स्लाइड पे ऐड करोगे। पहली स्लाइड पे आपने जाना है, ये ऑप्शन आ रहा है साउंड का। ये सारे के सारे बिल्ट इन साउंड्स हैं, ठीक है, इनको भी चूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये चूज करती हूँ, लेट्स से अप्लॉज, अब ये मेरा साउंड इस पे अप्लाई हो गया, लेकिन ये सिर्फ इसी स्लाइड पे प्ले होगा। आप लोगों ने जब साउंड अप्लाई करना है तो या तो ऑडियो फाइल क्लाइंट आपको देता है, या आप लोग फ्री ऑडियो फाइल भी यूज़ कर सकते हैं, कॉपीराइट फ्री क्लिप्स मिलते हैं। अगर नहीं पता कहाँ से मिलते हैं तो आपको मैंने तरीका बताया हुआ है। इस पे जाओ ग्रुप में, यहाँ पे लिखो कॉपीराइट फ्री ऑडियो। आपके सीनियर्स में से किसी ने या किसी ने ये देखो लिंक शेयर किया हुआ है कि कहाँ से आप लोग फ्री म्यूजिक ले सकते हैं, तो आप यहाँ से इनको इन ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हो, जहाँ से आपको कॉपीराइट फ्री म्यूजिक मिल जाएगा। उन क्लिप्स को डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद आप क्या करोगे, इधर से ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे अदर साउंड का। अदर साउंड में जहाँ पे आपने म्यूजिक प्ले किया हुआ प्लेस किया, उस ऑडियो फाइल को सिलेक्ट करो। और अगली चीज जो आपने करनी है उसको लूप कर देना है, लूप अंटिल नेक्स्ट साउंड। ऑब्वियसली आपके वीडियो में एक ही साउंड होगा और पहली स्लाइड पे आप उसको प्लेस करेंगे तो थ्रू आउट द स्लाइड शो वो बैकग्राउंड म्यूजिक चलेगा। बहुत सारे केसेस में बैकग्राउंड म्यूजिक क्लाइंट देता है। अगर वो बैकग्राउंड म्यूजिक ना दे तो थीम के अकॉर्डिंग कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी वेडिंग से रिलेटेड या कोई भी कॉर्पोरेट, बहुत सारे आपको म्यूजिक मिल जाएंगे। तो अभी के लिए मैंने म्यूजिक अप्लाई किया है, इस पे भी करती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि क्या डिफरेंस होगा। लेकिन ये है कि ये म्यूजिक मैंने लूप नहीं किया, सिर्फ इस स्लाइड पे शो होगा, इस स्लाइड पे शो होगा, ठीक है। अब ये हमारी होगी है सेटिंग। एक सेटिंग ये है कि आप इमेज को भी सेट कर सकते हो। अभी देखो नॉर्मली फॉर्मेट का टैब शो नहीं हो रहा। जब मैं इमेज पे क्लिक करूंगी तो एक फॉर्मेट का टैब आ रहा है। फॉर्मेट के टैब में आपके पास इमेज को फॉर्मेट करने की सब ऑप्शंस सामने नजर आ रही हैं। यहाँ से आप करेक्शन अप्लाई कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। अगर आपने ये कलर फॉर एग्जांपल या ये कलर चूज किया है तो इसका मतलब ये है कि थ्रू आउट योर स्लाइड शो अब आपको हर एक इमेज पे ये कलर अप्लाई करना पड़ेगा ताकि एक कंसिस्टेंसी क्रिएट की जा सके।
या आपकी मर्जी है थ्रू आउट अप्लाई कर लो या कुछ क्रिएटिव करना चाह रहे हो तो आपकी प्रैक्टिस है, आपकी इंस्पिरेशन है। बहरहाल ये तरीका है किसी भी इमेज को फॉर्मेट करने का। फॉर्मेट के टैब में जाओगे, सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, पिक्चर पे इफेक्ट क्या लगाना है, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजिस, 3D रोटेशन, सारे के सारे ऑप्शन। ये देखो 3D रोटेट हो गई है, तो ये आपके ऑप्शन सारे मिल जाएंगे। क्रॉप करना है क्रॉप भी कर सकते हो। अब हमने सारी सेटिंग कर ली है, अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं एक स्लाइड शो या एक वीडियो में। पावर पॉइंट में ही आप इंतहाई खूबसूरत एनिमेटेड वीडियोस भी बना सकते हो। इसी चीज़ को जब मैं वीडियो फॉर्मेट में सेव करूँगी तो वो वीडियो बन जाएगी, अगर मैं शो के फॉर्मेट में सेव करूँगी तो पावर पॉइंट शो बन जाएगा। आपने फाइल पे जाना है, सेव एज पे क्लिक करना है, डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। नाम होगा हमारा लर्न फ्रीलांसिंग, और उसके बाद प्रोजेक्ट नेम होता है या क्लाइंट नेम होता है। ये सारे फॉर्मेट्स आ रहे हैं, मैं अभी सेव कर रही हूँ पावर पॉइंट शो में। अगर आपको वीडियो में कन्वर्ट करना है तो वीडियो के दो फॉर्मेट्स हैं, एक है MPEG-4 वीडियो, एक विंडोज मीडिया वीडियो। इन दोनों ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन पे आप इसको वीडियो में रेंडर कर सकते हैं। ग्रुप में आपने अपनी असाइनमेंट्स जो है वो वीडियो फॉर्मेट में अपलोड करनी है ताकि मेरे लिए देखने में आसानी हो। शो को डाउनलोड करना पड़ता है, जबकि वीडियो आप ऑन अ सिंगल क्लिक भी देख सकते हैं। ये मैंने इसको शो में सेव किया, अब देखते हैं जी कि इसका क्या रिजल्ट होता है। ये आपका शो है, ये डायरेक्ट प्ले होगा, पावर पॉइंट में ओपन नहीं होगा। अब आपने तो बैकग्राउंड म्यूजिक लूप किया होगा ना, तो वो थ्रू आउट द स्लाइड शो प्ले करेगा। मैंने तो सिर्फ दो स्लाइड्स पे लगाया था और उसको लूप नहीं किया था। इस तरह से आप बहुत आसानी से खूबसूरत खूबसूरत और क्रिएटिव स्लाइड शोज बना सकते हैं। तरीकाकार यही है, क्रिएटिविटी आपकी अपनी है। जितना रिसर्च करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही ज़्यादा वर्थ के स्लाइड शोज बना सकोगे। हर एक इफेक्ट की ऑप्शंस मैंने आपको दिखा दी हैं, आप ऑप्शंस को भी कंट्रोल कर सकते हो ताकि मजीद खूबसूरत कर सको उस चीज को। अब देखो जो ये वाला इफेक्ट है ना, ये बहुत खूबसूरत बुक वाला इफेक्ट है। ये इफेक्ट आप कैटलॉग में लगा सकते हो, प्रोडक्ट कैटलॉग में या अपने पोर्टफोलियो में, कि वो जो स्लाइड शो है वो एज अ बुक, एज अ मैगजीन जो है वो होगा। तो ये आपकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जो चीज़ आपको ज़्यादा सही लगती है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने स्लाइड शो बनाना है, इसको वीडियो में सेव करोगे तो ये वीडियो फॉर्मेट हो जाएगा। अब इसमें आपने क्या करना है, असाइनमेंट के लिए दो असाइनमेंट्स मैंने बताई हैं, तीन चीज़ें आपने बनानी है। एक तो है आपका इवेंट बेस, किसी भी इवेंट का स्लाइड शो बनाओगे। एक होगा स्टोरी टेलिंग थीम बेस्ड, किसी भी सीरीज का, ड्रामा का, मूवी का, कुछ भी आपने किसी भी सीजन का बनाना है स्लाइड शो। अगर आप ग्रुप में देखें तो आपके सीनियर्स ने बहुत खूबसूरत और बहुत प्रोफेशनल काम किया है, आप वहाँ से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि कैसे आप स्लाइड शोज बना सकते हो। और स्लाइड शोज में सबसे, जैसे PDF में इंटरेक्टिव PDF बहुत ज़्यादा इन डिमांड है और बहुत एक ग्रोथ वाला स्किल है, इसी तरह स्लाइड शो में सबसे ज़्यादा ग्रोथ वाला स्किल, और ये $5 का स्किल नहीं है, थोड़ी सी टाइम इन्वेस्टमेंट है लेकिन ऑब्वियसली उसका रिटर्न भी है, उस स्लाइड शो को हम कहते हैं लिरिकल स्लाइड शो। इसके एग्जांपल ये किसी ने अपना काम अपलोड किया, देखते हैं। तो
को उतारा, इसने धरती को बिछाया, इसने आसमान को उठाया, आसमान की छत मेरे अल्लाह के कब्जे में है, जमीन का फर्श मेरे अल्लाह के कब्जे में है, हवाओं के झोंके मेरे अल्लाह के कब्जे में है, सर्दी का मौसम मेरे अल्लाह का इरादा है। इस तरह से आप किसी भी आवाज के साथ, किसी भी म्यूजिक सॉन्ग के साथ जो वीडियो क्रिएट करते हैं उसको लिरिकल वीडियो कहते हैं। इससे पहले कि मैं लिरिकल वीडियो को एक्सप्लेन करूं, पहले मुझे ये बताओ कि ये यहाँ तक स्किल कैसा लगा, गिव मी योर फीडबैक, फिर हम प्रोसीड करते हैं। वसीम इनकी चैट ओपन कर दें प्लीज। ओके जी, सो हाउ वाज द स्किल, कैसा लगा पावर पॉइंट स्लाइड शो का स्किल? आसान भी है ना, इसमें सॉफ्टवेयर भी नहीं चाहिए, आपका दिमाग है और इतनी आसान चीज के अंदर आप ऐसा काम कर सकते हो कि आपको प्रोडक्ट मॉकअप, लोअर थर्ड, ट्रांसक्रिप्शन, इन बच्चों वाले स्किल्स की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें जो है लिरिकल के बारे में बताऊं, इंटरेस्टिंग अगर लग रहा है तो लिरिकल के बारे में मैं आपको बताती हूँ। जी बिल्कुल दुरे कायनात, आप टाइमिंग लगा सकते हो, टाइमिंग एडजस्ट कर सकते हो, ये आपके पास टाइमिंग की ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट कहता है जी कि मुझे 2 मिनट का चाहिए, ठीक है, क्लाइंट ने कहा कि मुझे 2 मिनट का वीडियो चाहिए, 2 मिनट के वीडियो में अब आपके पास 20 स्लाइड्स हैं, तो 2 मिनट को 20 पे डिवाइड करो, यहाँ से आप ड्यूरेशन सेट करोगे एक एक स्लाइड की ड्यूरेशन क्या होगी। बिल्कुल वहाँ सॉफ्टवेयर कोई नहीं चाहिए, अगर आप चाहो तो इसी को, इस स्लाइड शो को किसी ऐप में भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, फोन से भी ये काम कर सकते हैं। एनिमेशन के बारे में भी बताऊंगी अहमद, जब आप लोग मुझे ये बताएंगे कि लिरिकल सीखना चाहते हो, लिरिकल के बारे में एक्सप्लेन करूं, लिरिकल में आपकी एनिमेशन काम आती है, एनिमेशन टेक्स्ट की होती है, ट्रांजिशन स्लाइड की होती है। बिल्कुल अभी हाँ, वीडियो क्लिप्स भी ऐड कर सकते हो, वही मैं भी एक्सप्लेन करना है। लिरिकल सीख लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। यूट्यूब चैनल जिनका है या जो यूट्यूब पे ग्रो करना चाहते हैं, कोई नीश नहीं मिल रहा, आप लोग क्या कर सकते हो, पोइट्री की वीडियोस बना के अपलोड करो, जिस तरह भी मैंने आपको दिखाई छोटे छोटे इस तरह की वीडियोस बना के साउंड के साथ लिरिक्स को सेट करके अपलोड करो, लोग देखते भी हैं, अपने स्टेटस भी लगाते हैं, ये चीज़ें वायरल भी होती हैं। मैम कुछ में सिग्नेचर होते हैं वो कैसे ख़त्म करेंगे, कुछ ऐप में वो फिर परचेज करना पड़ता है, इसलिए तो मैंने कहा कि पावर पॉइंट इस्तेमाल कर लो, फ्री सॉफ्टवेयर है, फ्री में इतना अच्छा काम कर सकते हो। हाँ क्योंकि मैंने इसकी टाइमिंग एक एक और रखी थी ना, देखो एक एक मिनट टाइमिंग थी, टाइमिंग आप कम करोगे तो फास्ट हो जाएगा, ये आपके ऊपर एडजस्टमेंट करना टाइमिंग की और म्यूजिक को सेट करना। अच्छा वैसी ट्रांजिशन तो शाहजेब आप क्रिएट करोगे ना, मैं वैसी ट्रांजिशन क्रिएट करने बैठूंगी तो टाइम लगेगा, मैं आपको इंस्टेंट स्किल सिखा रही हूँ, एक रास्ता बता रही हूँ कि इंस्टेंट से ज्यादा ग्रो करना है तो फिर आप जो है इस चीज़ पर थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो। इनकी चैट ऑफ करें, मैं इनको लिरिकल के बारे में गाइड करूँ कि लिरिकल पे कैसे काम कर सकते हैं। लिरिकल इंस्टेंट स्किल नहीं है, लिरिकल में ग्रोथ तब करोगे जब थोड़ा सा ध्यान लगा के चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे। पहले तो देखते हैं लिरिकल की डिमांड और लिरिकल की प्राइस क्या है। लिरिकल वीडियोस जो हैं ये हरगिज भी आपका $5 वाला स्किल नहीं है, और लिरिकल वीडियोस के लिए आपको जो लिरिक्स भी क्लाइंट देगा, म्यूजिक भी क्लाइंट देगा, आपने सिर्फ उसकी सेटिंग करनी है। पहले तो प्राइस चेक कर लो, 7,000 है किसी की प्राइस, 70,000 है, 8,000 है, 35,000 है, 30,000 है, ये इसकी 10,000 है, 7,000 है। अच्छा जिसमें करना क्या है, अगर हम किसी एक को ओपन करके देखें कि किस तरह से आप ये वीडियोस बना सकते हैं, पावर पॉइंट 21 ऑर्डर्स इन क्यू और प्राइस है इसकी 30,000। अब 30,000 को 21 से मल्टीप्लाई करो और सोचो कि कितना पोटेंशियल है इस स्किल में। लेकिन अगेन इंस्टेंट नहीं है कि रातों रात आ जाएगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो प्रैक्टिस करेगा उसको मैं गाइड भी करूँगी कि इसको ऐसे चेंज कर ले, इस तरह से एडिट कर ले। लॉन्ग टर्म स्किल है ना, ग्रोथ वाली है, टाइम लगेगा। तो ये कह रहे हैं कि जी 5 मिनट की वीडियो ये आपको बना कर देंगे। 5 मिनट की वीडियो का मतलब ये है कि आपने यहाँ से सेटिंग करनी होती है कि आपकी वीडियो कितनी देर चलेगी। फॉर एग्जांपल 5 स्लाइड्स है हमारे पास, तो एक एक स्लाइड पे टेक्स्ट एनिमेट होने में एक एक मिनट लगेगा। वो कैसे होगा ये बताने से पहले ज़रा काम देखते हैं कि लिरिकल वीडियो में ऐसा कौन सा काम होता है जो आप लोग पावर पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए खुद नहीं कर सकते।
अब क्या है इस वीडियो में, छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स लगे हुए हैं और वीडियो क्लिप्स के साथ जब म्यूजिक प्ले होता है तो टेक्स्ट एनिमेट होता है। आप क्या करेंगे, मेजॉरिटी में जो है वीडियो क्लिप्स नहीं भी होते, बैकग्राउंड में सिर्फ आपके पास स्टैटिक इमेज होता है। ये देखते हैं जरा इसमें क्या है, ये भी वीडियो है, मैं कोई आपको टेक्स्ट वाला दिखाना चाह रही हूँ ताकि आइडिया हो जाए, बल्कि टेक्स्ट वाले के लिए जरा यूट्यूब पे चलते हैं। यूट्यूब का ट्रेंड ये है कि जो लिरिकल वीडियोज होती है ना उनकी व्यूज ज्यादा होते हैं ओरिजिनल सॉन्ग से कम होते हैं। एल्विस प्रेस्ले का कोई भी हम लिरिकल वीडियो वाला निकालते हैं सॉन्ग, 11 मिलियन व्यूज है, ठीक है, ओरिजिनल वीडियो पे आई एम श्योर इससे बहुत कम होंगे। अब ये देखो ये इमेज है, इमेज के ऊपर टेक्स्ट, आवाज बंद कर दिया। अब ये क्या है, इमेज पे सिर्फ टेक्स्ट एनिमेट हो रहा है। आप इमेज पे भी टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हो, आप वीडियो पे भी कर सकते हो, तरीका सेम है, डायरेक्शन दे देती हूँ, जो अप्लाई करेगा वो जो है ग्रो भी करेगा। अच्छा करना क्या होता है इसमें, आपने ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट में वीडियो का, वीडियो क्लिप आप लोग डाउनलोड कर लेते हैं छोटे छोटे, वो आप यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, फिर ये ग्राफिक की जगह वीडियो क्लिप आ जाएगा, वीडियो प्ले हो रहा होगा, उसके ऊपर आप टेक्स्ट को एनिमेट करोगे। टेक्स्ट पे जब आपने क्लिक करना, ये टेक्स्ट है ना, मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन, तब आपने ट्रांजिशन में जाना, एनिमेशन पे जाना। अगर एक सेकेंड, अगर स्लाइड पे होगी तो ट्रांजिशन होगी, अगर टेक्स्ट पे होगी तो एनिमेशन होगी। एनिमेशन के टैब में जाते हैं, ये सारे एनिमेशन के ऑप्शंस हैं, मैं कोई भी ऑप्शन चूज करती हूँ, फेड वाली चूज कर ली। देन आपने एनिमेशन पैन को ओपन करना है और यहाँ से एरो पे क्लिक करके आपने इसकी इफेक्ट ऑप्शंस चेक करनी है, एक किस तरह से एनिमेट करवाना चाह रहे हो, बाय लेटर, एक एक लेटर एनिमेट हो, टाइमिंग क्या होंगी वो बता दो, फास्ट वेरी फास्ट, ये सारा कुछ आपने कैलकुलेट करना होता है। देखो अगर एक सॉन्ग 3 मिनट का है, 3 मिनट में पहले देखो कि एक लाइन बोलने में उसको कितना टाइम लगता है, फॉर एग्जाम्पल 5 सेकंड लगते हैं, तो पहली लाइन की आप जो है ड्यूरेशन 5 सेकंड रखेंगे ताकि लिरिक्स के आवाज के साथ उसके जो टेक्स्ट है वो एनिमेट कर सके। अब एनिमेशन बता दो क्या एज एन ऑब्जेक्ट करनी है, ठीक है ये सेट हो गया। उसके बाद ये राबिया आवाज पे अप्लाई कर लेते हैं, इसको आप बाउंस करवा दो और बाउंस के ऑप्शंस आप देख लो कि आपने क्या ऑप्शंस सिलेक्ट करनी है जी। आफ्टर एनिमेशन इसको डिम कर दिया जाए वाइट कलर में, टाइमिंग इसकी क्या होगी, इसकी टाइमिंग होगी स्लो, ओके। अब पहली स्लाइड पे ही आपने सॉन्ग या ट्रैक ऐड करना है, उसी तरह से आप जाओगे साउंड में, ट्रांजिशन में जाओगे और यहाँ पे आपने साउंड ऐड कर लेना है, और एनिमेशन में जाके उस साउंड को आपने टेक्स्ट के साथ परफेक्टली मैच करना है। ये आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी लेकिन आप बहुत खूबसूरत काम कर सकते हैं। अगर मैं इसको प्ले करूँ तो ये देखो, अब फर्ज कर लो कि पीछे ये म्यूजिक बज रहा है और ये लिरिक्स बोले जा रहे हैं, तो आप इस तरह से लिरिकल वीडियोस बना सकते हैं। अच्छा लिरिकल वीडियोस के लिए इमेजेस चाहिए होते हैं बड़े हाई रेजोल्यूशन अच्छी क्वालिटी के, वो इमेजेस आपने डाउनलोड करने हैं अनसप्लैश से। फॉर एग्जांपल आप ये एल्विस प्रेस्ले के लिए बना रहे हैं और सॉन्ग है होप, तो होप लिखो यहाँ पे। ये जितने भी आपको इमेजेस मिलेंगे ना, ये एक तो इस तरह के इमेजेस होंगे जिन पर टेक्स्ट नजर आएगा, अब यहाँ पे टेक्स्ट लिखा जाएगा ऑब्वियसली विजिबल होगा, तो ये इमेजेस गूगल से लेने की बजाय यहाँ से इमेजेस कॉपी करो, क्योंकि इन इमेजेस में टेक्स्ट लिखने के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको मार्जिन मिल जाता है, टेक्स्ट आपका विजिबल होता है। इस तरीके से अब जिनको लिरिकल में इंटरेस्ट है, अपना काम मुझे दिखाना चाहते हो, आप लोग 3-3 स्लाइड शोज बनाओगे, बाकी बच्चे 2-2 बनाएंगे, एक थीम बेस्ड और एक इवेंट बेस्ड, लिरिकल वाले लिरिकल का बनाएंगे। अगेन एक और चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ, ये देखो जहाँ पे आपका एनिमेशन पैन है ना, यहाँ पे ऑर्डर आ रहा है कि पहले कौन सा आपने लेटर डिस्प्ले करवाना है,
पहले कौन सा टेक्स्ट एनिमेट होगा, ये 1-2 भी लिखा हुआ है, इसको ड्रैग करके अगर ऊपर ले जाओगे, इसको ड्रैग कर लोगे, एक सेकेंड, तो ये अब आपका पोजीशन चेंज हो गया, पहले राबिया अब्बास आएगा, बाद में लर्न फ्रीलांसिंग, तो ये आपकी मर्जी है, आप एनिमेशन का ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू। अब इनकी चैट ओपन करें और मुझे बताओ कि कितने बच्चे लिरिकल पे काम करने में इंटरेस्टेड है। सारे ऑप्शंस आपके सामने है, कुछ मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान ऑप्शंस हैं, ये सारी की सारी चीजें थोड़ी सी प्रैक्टिस है, मेरे सिखाने से शायद मुश्किल हो, जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, ट्रस्ट मी बहुत आसान है। अब मुझे काम करके दिखाओ, मैं आपको फीडबैक दूंगी, और अब जो लिरिकल में काम करेंगे, मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि लिरिकल के अपने बनाना गिग्स, क्योंकि गिग्स जब अगर कोई और बना लोगे तो उसमें इतनी ग्रोथ नहीं है, लिरिकल में बहुत ज्यादा ग्रोथ है। ठीक है, आपको क्वेश्चंस होंगे तो काइंडली मैं नेक्स्ट सेशन में आंसर कर दूंगी, मेरा जो गला है बिल्कुल बंद हो रहा है, आवाज़ इंतहाई मुश्किल से निकल रही है, लेकिन आपका सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, आगे हमारी फ्रीलांसिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर क्वेश्चंस जो भी कोई रह जाएंगे, जिस चीज़ की समझ नहीं आएगी वो मैं नेक्स्ट में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू सो मच एवरीबडी, आई होप आज के सेशन से आपने एक नया स्किल सीखा होगा और ये आपके फ्रीलांसिंग करियर में आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। थैंक यू सो मच फौजिया, कायनात, फतेह, अल्लाह हाफिज़, खुश रहे, अल्लाह हाफिज़ वसीम, आप सेशन को एंड कर दो, थैंक यू।